एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फेस्टिवल का टाइम स्टार्ट हो गया है। जैसे सबसे पहले आएगी अभी जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, दिवाली, इसी तरीके से बहुत सारे फेस्टिवल्स लगातार आते रहेंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ दो ऐसे यूजफुल DIY शेयर कर रही हूँ जो आपको हर फेस्टिवल में काम आएंगे। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साइड में एक बेल आइकन है, उसको प्रेस करें जिससे आपको मेरी आगे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोई भी डेकोरेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग सोचते हैं बैकड्रॉप कैसे करके डेकोरेट करें, तो उसी के लिए पहला DIY शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं ये कुछ पाइप के पीसेज। ये है मान्या के डॉल हाउस के पाइप के पीसेज जो कि बिल्कुल वेस्ट थे। आपके पास अगर ऐसा नहीं है तो ईजिली आप मार्केट से इनको परचेज कर सकते हैं। और इनको लगाने के लिए इस तरीके से ये एंगल्स होते हैं जो कि 2 साइड से ओपन होते हैं, 3 साइड से ओपन होते हैं। आप इनके साथ कितने भी पाइप को ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपको ईजिली ही शॉप पर मिल जाएगा। अगर आप इससे नहीं बनाना चाहते तो अगर कोई वुडन पीस है तो आप उससे भी इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना बैकड्रॉप का जो फ्रेम है उसको बना के तैयार कर लिया है। फटाफट से तैयार हो गया ये। तो अब करते हैं इसको डेकोरेट। तो डेकोरेट करने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे ये नेट का पीस है जो कि है बहुत ही ज्यादा पुराना। वान्या के फर्स्ट बर्थडे पे मैंने ये नेट परचेज किया था उसके बर्थडे की डेकोरेशन करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने इसको कट कर लिया है। जितना मैंने अपना फ्रेम तैयार किया है उतनी ही लंबाई इसकी ले ली है। और इसको मैंने कर्टन की तरह यहाँ पे सिंपल सा ऊपर एक नेफा बना के तैयार कर लिया है। तो 2 कर्टन यहाँ पे मैंने लिए हैं और बीच में से उनको आपस में स्टिच कर दिया है एक ही साथ। और बस अब कुछ नहीं करना है, सिंपली इसको अपने पाइप के अंदर लगा देना है जैसे हम पर्दे हैंग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपने कर्टन को लगा दिया है पाइप के अंदर और काफी अच्छे से मैंने इसकी चौड़ाई रखी थी क्योंकि बाद में इसके अंदर जो फ्रिल आएगी वो काफी अच्छे से आनी चाहिए। तो आप कोशिश करिए कि थोड़ा ज्यादा कपड़ा लेकर के कर्टन को यहाँ पे बनाएं। अगर आप वुडन के पीस में फ्रेम बना रहे हैं तो उसको पहले ही अगर आपने बांध दिया है तो आप इस तरीके से ना डाल करके ऊपर के साइड से अपने कपड़े को डाल करके और स्टिच कर देंगे तो आपका एक कर्टेन की तरह वो वहाँ पे लग जाएगा। तो डेकोरेट करने के लिए मैंने लिए हैं यहाँ पे ये पिंक एंड वाइट कलर के रोजेस। कलर कॉम्बिनेशन मैंने रखा है इस बार पिंक, तो आप अपनी पसंद का कोई भी कलर यहाँ पे ले सकते हैं डेकोरेशन के लिए। ये मैंने लिए हैं प्लास्टिक के फ्लावर्स। ये मैंने ऑनलाइन परचेज किए थे, काफ़ी सस्ते मुझे मिले थे मीशो से। आप चाहें तो इसकी जगह पे पेपर के फ्लावर्स वगैरह बना के भी यहाँ पे डेकोरेट कर सकते हैं। तो दोनों तरफ के पाइप यहाँ पे मैंने इस तरीके से फ्लावर लगा दिए हैं। और देखिए मेरा ये वाला जो फ्रेम है वो तैयार हो गया है। अब हम बांधते हैं कर्टेन को। इजीली इस तरीके से चुन्नटे बना के दोनों साइड में इसको रैप कर देंगे और जो मैंने यहाँ पे कपड़ा कर्टेन के लिए लिया है उसी ही कपड़े से मैं यहाँ पे इसको बांध रही हूँ। यहाँ पे मैंने दोनों कर्टेन को बांध दिया है। अब इसके बाद बैक में मैं लगा रही हूँ। एक मेरे पास ये नेट का पीस था। मैं इस तरीके के पीसेस जब भी मार्केट जाती हूँ तो ले ही आती हूँ क्योंकि मेरे काम आते रहते हैं। तो इसको मैं पीछे से चारों तरफ से अच्छे से ग्लू गन की हेल्प से इसको स्टिक कर दूंगी। इसको थोड़ा सा और डेकोरेट करने के लिए फ्रंट साइड में मैंने लगाई है यहाँ पे पिंक कलर की लेस। पहले मैं यहाँ पे थोड़ा पर्ल टाइप की लेस लगाना चाह रही थी बट वो मेरे पास नहीं थी। मेरे पास एक सिंपल सी बहुत पुरानी लेस थी। मेरे अगर आपने पुराने DIYs देखे होंगे तो आपने ये लेस जरूर देखी होगी। तो इसको मैंने हैंग किया है इस तरीके से ऊपर और ये बहुत अच्छी लग रही थी। पर्ल के हैं, इसमें बीच में सीप पड़ा हुआ है, इससे लुक काफी अच्छा आ रहा था यहाँ पे मेरे बैकड्रॉप का। तो यहाँ पे ली है मैंने अपनी पिछले साल की राखी जो कि मैंने बचा के रखी हुई थी और इसको मैं लगा रही हूँ लोटस के साथ अपने बैकड्रॉप के सेंटर में। आपके पास कोई भी हैंगिंग हो उसको आप यहाँ पे हैंग करके लगा सकते हैं। बहुत ही सुंदर लुक आ रहा था इसको मैंने जब लगाया। तो यहाँ पे मेरा बैकड्रॉप जो है वो पूरा परफेक्टली तैयार हो चुका है और बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा था। तो इस तरीके से फटाफट से आप भी अपने घर पे बैकड्रॉप रेडी कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये बैकड्रॉप आइडिया पसंद आया तो फटाफट से वीडियो को लाइक करें। तो चलिए देखते हैं सेकेंड DIY। दूसरी चीज है फेस्टिवल पे सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है वो है चौकी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ मिरर मैजिक चौकी DIY। तो चौकी बनाने के लिए मैंने लिए है यहाँ पे पटली को और पटली मेरी काफी ज्यादा पुरानी है। इवन मेरी ये शादी की है जिसपे हल्दी वगैरह लगाई जाती है वहीं पर ये पटली का इस्तेमाल करा जाता है उसी टाइम पे। तो ये मैंने आज सोचा क्यों ना इसी को ही डेकोरेट कर लिया जाए। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ इसके अंदर मिरर। आप मैजिक आर्ट किसी भी चीज से बना सकते हैं। आपके पास
कोई भी पीसेज हैं उनको भी आप या टाइल्स वगैरह को लगा के बना सकते हैं। बट मैं आज बना रही हूँ यहाँ पे मिरर से, तो यहाँ पे रेंडमली जो भी मुझे डिज़ाइन मेरे माइंड के अंदर आ रहा था, तो यहाँ पे अलग अलग शेप्स के मिरर लगा के मैं इसको यहाँ पे डेकोरेट कर लूँगी। तो इस तरीके से पूरा इसको डेकोरेट करने के बाद हम आगे का प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो जैसे भी आपका मन है आप उस तरीके से यहाँ पे मिरर लगा के तैयार कर सकते हैं। मैंने ली है अपनी पुरानी पटली। आपके पास कोई भी वुडन पीस हो या फिर पुरानी चौकी हो जिसको आप डेकोरेट करना चाहते हैं, तो आप उसको इस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा मिरर का काम कंप्लीट हो चुका है। अब करेंगे हम इसके आगे का प्रोसेस। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ वाइट सीमेंट। आप वाइट सीमेंट नॉर्मली पेंट की शॉप पे आपको मिल जाएगा। इसके साथ मुझे बनाना है इसको ऑरेंज कलर की पटली। तो यहाँ पे मैं एक्रेलिक कलर का यूज़ कर रही हूँ, ऑरेंज एक्रेलिक कलर यहाँ पे ऐड कर रही हूँ अपने जो भी मैंने यहाँ पे वाइट सीमेंट लिया है उसके अंदर। और थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, बिल्कुल लम्स नहीं रहे इसके अंदर। और बहुत ज़्यादा आपको इसको लिक्विडी नहीं रखना है, मतलब इतना रखना है कि ये अच्छे से आप इसको फ्लो कर पाएँ, मतलब अच्छे से पेस्ट को अप्लाई कर पाएँ अपनी पटली के ऊपर इस तरीके से। यहाँ पे देखिए मेरा पेस्ट जो है वो तैयार हो गया है। कुछ लोग इसके अंदर फेविकोल भी ऐड करते हैं, तो वो आपकी चॉइस से आप अगर करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं। बट मैं वाइट सीमेंट के साथ इसको यूज़ कर रही हूँ, तो ये बहुत अच्छे से स्टिक हो जाएगा। बीच में मैंने पटली में देखिए इस तरीके से काफ़ी स्पेस छोड़ दिया था, तो थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम हुई थी इसको लेवल करने में। आप अगर अच्छे से पूरे में मिरर से कंप्लीट इसको कवर करेंगे तो ये बहुत अच्छे से फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इस स्पैचुला से या फिर किसी भी चीज़ से इसको अच्छे से स्प्रेड करेंगे, जो मिरर के बीच के गैप है उनके अंदर हमारा जो ये मिक्सचर है वो अच्छे से जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से इसे बढ़िया तरीके से स्प्रेड कर लिया है। तो जो हमने ये पेस्ट को लगाया है इसको 10-15 मिनट के लिए थोड़ी सी देर के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम अपने मिरर को करेंगे क्लीन। अगर आप हल्के से ड्राई होने के बाद इसे क्लीन करेंगे तो ये ईजिली क्लीन हो जाएगा। अगर पूरा इसको ड्राई करने के बाद आप क्लीन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, बट उस टाइम पे आपको नाइफ या फिर कोई भी गीले कपड़े का मदद यहाँ पे लेना पड़ेगा। बट यहाँ पे मैं अभी 10-15 मिनट के अंदर ही मैंने इसको क्लीन करना शुरू कर दिया था, तो ये बहुत अच्छे से क्लीन हो रहा था, अच्छे से निकल रहा था। अगर थोड़ी देर बाद आप करें तो कोई भी कॉटन का कपड़ा लेकर के आप जहाँ जहाँ मिरर्स लगे हुए उसके ऊपर रब करेंगे तो धीरे धीरे ये क्लीन होना शुरू हो जाएगा। बट अगर आप इसी टाइम पे इसको क्लीन कर लेंगे तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो देखिए कितने अच्छे से मेरे मिरर्स जो हैं वो यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं और बहुत अच्छा लुक इसका आएगा इसके बाद। तो यहाँ पे इसी तरीके से मैंने पूरे मिरर्स के ऊपर से पेस्ट को जो है वो रिमूव कर दिया है और अच्छे से मेरे सारे मिरर्स जो हैं वो विजिबल हो रहे हैं और बहुत ही आराम से मैं इसको कर पा रही हूँ। बीच का जो पोर्शन था उसको थोड़ा सा मुझे टाइम लगा था इसको सेट होने के लिए, मैंने इसलिए छोड़ा था क्योंकि बीच में मेरे काफ़ी ज़्यादा गैप था। अगर गैप कम होगा तो आप इजीली इसको क्लीन कर पाएंगे, बट मेरे में बीच में गैप ज़्यादा था तो मैं इसको क्लीन नहीं कर पा रही थी। तो आप कोशिश करिए कि थोड़ा सा ज़्यादा मिरर्स वगैरह लगा के इसको डेकोरेट करें। तो यहाँ पे मेरा ये पूरा ड्राई हो चुका है। अब जो नीचे का पोर्शन था उस पे मैं करूँगी फटाफट से कलर और जो भी मुझे इस पे डेकोरेशन करनी है उसको भी मैं यहाँ पे कंप्लीट कर दूंगी। तो ऑरेंज कलर का ही यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए ड्राई होने के बाद ये कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है। तो अभी इसको और सुंदर बनाने के लिए थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं कुछ लेसेस। तो ये प्लास्टिक वाली लेस होती है, नग की नहीं होती है, बट देखने में ऐसी लगती है कि जैसे नग लगे हुए हैं इसके अंदर। तो बहुत ही बढ़िया से डेकोरेशन, कोई भी अगर आपको DIY बनाने के बाद उसको और ज़्यादा डेकोरेट करना है तो आप इस तरीके से इस लेस का यूज़ कर सकते हैं। तो चारों तरफ से मैं लेस वगैरह लगा के इसको डेकोरेट कर दूंगी। और पूरा डेकोरेट होने के बाद इसको मैंने थोड़ी सी देर और छोड़ा था क्योंकि ये मेरा अभी अच्छे से ड्राई नहीं हुआ था पूरा। इसको रात भर कम से कम आपको छोड़ना है ड्राई होने के लिए कि हमारा जो पेस्ट था वो अच्छे से सेट हो जाए। अगर ये ऊपर से थोड़ा सा अनइवन आपको लगता है तो आप रेग मार्क की हेल्प से भी इसको बीच बीच में से रब करके इवन कर सकते हैं। मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी जब मैंने इसको अप्लाई किया था, मैंने इवनली ही उसी टाइम इसको बिल्कुल अच्छे से स्प्रेड किया था कि जिससे मुझे बाद में मेहनत बिल्कुल नहीं करनी पड़ी। तो देखिए यहाँ पे मेरी फटाफट से चौकी तैयार हो गई है और ये इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी मैं आपको बिल्कुल बता नहीं सकती। कलर इसका बहुत ही ज़्यादा सुंदर आया था। देखिए मिरर के साथ ये कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं डेकोरेशन कंप्लीट करके कि इस बार अगर आपने इस तरीके से अपने फेस्टिवल की डेकोरेशन करी तो उसका लुक कैसे आने वाला है।
तो यहाँ पे मैंने तो कर ली है अपनी फेस्टिवल की तैयारी, आप भी फटाफट से अपने फेस्टिवल्स के लिए तैयारी कर लीजिए। तो इस तरीके से आप भी डेकोरेट कर सकते हैं, साथ ही साथ इसके अंदर और लाइट्स वगैरह ऐड करके इसको और भी ज़्यादा खूबसूरत आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये बनाया है बैकड्रॉप और चौकी। आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ मैं आपको एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, और हाँ, हैप्पी जन्माष्टमी।